गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सिंथेटिक फाइबर का डिस्कशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दो फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, रेयोन एंड नायलॉन। रेयोन जो था हमारा वो वुड पल्प की हेल्प से बना था, बट बना केमिकल मेथड से था, तो हमने उसे क्या बोला, सेमी सिंथेटिक फाइबर बोला। उसके बाद जो नायलॉन था हमारा, दैट वॉज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर जिसका पॉलीमर था अमाइड, पॉलीअमाइड। अब हम जो हमारा थर्ड फाइबर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पॉलिएस्टर। ये जो पॉलिएस्टर है ये भी क्या है, एक फुली सिंथेटिक फाइबर है। अब ये जो फुली सिंथेटिक फाइबर है, इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, मतलब इसमें कौन सी पॉलीमर्स ऐड होते हैं, तो इस पॉलिएस्टर की जो मोनोमर यूनिट है दैट इज एस्टर। और जब ये बहुत सारे एस्टर ग्रुप आपस में कंबाइन करते हैं तो इसकी जो पॉलीमर यूनिट बन जाती है दैट इज पॉलिएस्टर। अब ये जो पॉलिएस्टर फैब्रिक है हमारा, ये क्या है, हमारा फुली सिंथेटिक फाइबर है। अब ये फुली सिंथेटिक फाइबर है जिसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जैसे कि ये लाइट वेट है, मोर ड्यूरेबल है, इसके अलावा ये सूख भी बहुत जल्दी जाता है, ये रिंकल रेजिस्टेंस होता है, ये ज्यादा अपने अंदर वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करता। तो इन सब प्रॉपर्टी के बिहाव पे जो ये हमारा फाइबर है पॉलिएस्टर, इसका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं टेरिलिन की। टेरिलिन क्या है, ये एक बहुत फेमस पॉलिएस्टर फाइबर है जिसका हम यूज करते हैं। और इस टेरिलिन फाइबर को जब हम कॉटन के साथ ब्लेंड करते हैं तो हमारा जो नया ब्लेंडेड फाइबर बनता है दैट इज टेरिकॉट। और इसी के साथ अगर हम इसे वूल के साथ ऐड करेंगे, मतलब ब्लेंड करेंगे, मिक्स करेंगे, तो उसके साथ ब्लेंड करने पर जो हमारा नया फाइबर बनता है दैट इज टेरीवूल। मतलब टेरिकॉट और टेरीवूल भी क्या है, फर्दर ब्लेंडेड फैब्रिक्स हैं जो हमें किससे मिल रहे हैं, पॉलिएस्टर से मिल रहे हैं। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं कि ये जो पॉलिएस्टर है हमारा, ये हमारा बहुत लाइट वेट होता है, जिसका मेनली यूज हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर साड़ीज बनाने में, इसके अलावा ड्रेस मटेरियल्स बनाने में, जो हमारी सेल बोट्स होती हैं, जो शिप्स चलती हैं पानी के अंदर, उनके जो सेल बोट्स के ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ होता है जिसकी वजह से वो मूव कर पाती हैं, वो भी किसका बना हुआ होता है, पॉलिएस्टर का बना। मशीन्स होती हैं उनकी कन्वेयर बेल्ट्स बनाने में भी हम उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये क्या है, लॉन्ग लास्टिंग चलता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। और इसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए ही हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो पॉलिएस्टर है वो बहुत ज़्यादा हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर। पॉलिएस्टर की एक फॉर्म है जिसका हम जो प्लास्टिक की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, दैट इज पेट। इस पेट का मतलब है पॉली इथाइलिन टेरिफ्थेलेट, टेरिफ्थेलेट। अब ये जो पेट है दैट इज अ पॉलिएस्टर। अब इसका काम क्या था, ये एक तरीके का प्लास्टिक है जिसने हमारा जो ग्लास है इसके यूज को बिल्कुल क्या कर दिया है, खत्म कर दिया। क्योंकि जो कांच होता है उसको उठाना हमारे लिए आसान नहीं होता, देखभाल करना हमारे लिए बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाते कि गिर जाता तो टूट जाता। तो उसकी जगह पर मतलब जो ग्लास की रिप्लेसमेंट आई, प्लास्टिक आया, वो कौन सा आया, पेट आया। तो पेट इज एक्चुअली क्या है, पॉलिएस्टर बट इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक। तो इसका जो पेट का यूज है, ये काफी बॉटल्स बनाने में और भी बहुत सारे जार बनाने में, मतलब ग्लास को ओवरऑल इसने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। और इसकी रिप्लेसमेंट की वजह से ये बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर अवेलेबल हो चुका है। करते हैं हमारे नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर के एक्रेलिक। अब ये जो एक्रेलिक फाइबर है हमारा, ये किस पॉलीमर यूनिट से मिलकर बनता है, दैट इज एक्रिलोनाइट्रिल। मतलब इसकी जो पॉलीमर यूनिट है वो क्या हुई, एक्रिलोनाइट्रिल। और इसी पॉलीमर यूनिट के नाम से ही इसका नाम रखा गया, दैट इज एक्रेलिक। अब ये जो फाइबर है हमारा, ये एक तरीके से सब्स्टिट्यूट है किसका, वूल का।
मतलब ये हमें क्या देता है, सर्दियों में जैसे हम वूल पहनते हैं तो ये जो एक्रेलिक फाइबर है ये भी एक तरीके से क्या है, वूल का ही सब्स्टिट्यूट है, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, स्वेटर्स बनाने में, शॉल्स बनाने में, ब्लैंकेट्स बनाने में, इसके अलावा जो सर्दियों में हम कपड़े यूज करते हैं उनको बनाने के लिए भी हम जिस सिंथेटिक फाइबर का यूज कर रहे हैं वो कौन सा होगा, हमारा एक्रेलिक फाइबर। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने इन्हीं सिंथेटिक फाइबर्स की एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए अपनी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, लाइट वेट है, इसके अलावा जो पानी है उसे कम अब्जॉर्ब करते हैं, सूखते बहुत जल्दी हैं, इसके ऊपर कोई भी रिंकल नहीं पड़ते, मतलब इनको मेंटेन करना हमारे लिए और भी ज़्यादा ईजी है, कोई भी मोथ्स कीड़े वगैरह जो होते हैं वो भी इसके ऊपर अटैक नहीं करते हैं। तो इन सब प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर क्या हुआ कि ये जो सिंथेटिक फाइबर्स थे ये नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर हो गए। पर इनकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसके बारे में अब हम डिस्कशन करते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर है ये किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल है। तो सबसे पहली बात क्या हुआ कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसे हम समर के अंदर नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकते, क्योंकि इसमें जो सिंथेटिक फाइबर होता है ये हमारे पसीने को अब्जॉर्ब नहीं करता और हमारा जो पसीना है, जो स्वेट है, वो इवेपोरेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते, और कंफर्टेबल नहीं होंगे तो मतलब क्या होगा, हमारे लिए गर्मियों के अंदर इन सिंथेटिक कपड़ों को पहनना सही नहीं रहेगा। दूसरी बात क्या कहते हैं कि ये जो सिंथेटिक फाइबर है अगर इन पर क्या हो जाती है, बाय चांस बर्निंग हो जाती है, आग लग जाती है, तो ये क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, दे मेल्ट ऑन बर्निंग, और मेल्ट हो जाएंगे बर्निंग की वजह से तो क्या होगा कि वो सिंथेटिक कपड़ा हमारी बॉडी के ऊपर चिपक जाएगा, जिससे हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, बॉडी भी बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, और इससे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा हम बोलते हैं कि ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कि इनको डिस्पोज करना हमारे लिए इजी नहीं है, जबकि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनको डिस्पोज करना हमारे लिए इजी है, जबकि ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनको डिकम्पोज करना हमारे लिए इजी नहीं है। और जो लास्ट है, कहते हैं कई पर्संस के साथ ये चीज़ होती है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये उनकी बॉडी पर रिएक्ट कर जाते हैं, जिनकी जिससे उनकी बॉडी पर रैशेज हो जाते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम उनको सिंथेटिक कपड़ा पहनने की वजह से हो जाती है। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये क्या है, ये यूजफुल होने के साथ साथ हमारे लिए हार्मफुल भी है। सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि दैट इज अ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। और इसका एक एडवांटेज क्या है कि अब हमने ये जो सिंथेटिक फाइबर्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं उसके लिए अब हमें पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो हमारे ट्रीज हैं वो क्या रह रहे हैं, कंजर्व रह रहे हैं। तो दैट मीन्स जो सिंथेटिक फाइबर है वो एक तरीके से क्या करता है, दैट हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज।